आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात में की ई सिगरेट, लक्ष्मी और चिराग तले अंधेरे पर बात। संघ ने आरएसएस का नाम लेने के लिए इमरान खान को कहा धन्यवाद। संघ और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची। झाबुआ उपचुनाव में मुकाबला कांतिलाल और भानु भूरिया के बीच, दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर। कमलनाथ के राज में बिना पैसे के नहीं होते तबादले, महिला मंत्री का बड़ा खुलासा। और नहीं हुआ किसानों का कर्ज माफ, बैंकों ने किसानों को भेजे नोटिस। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ई सिगरेट, लक्ष्मी और चिराग तले अंधेरे की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उनके साथ एक खास आवाज़ भी सुनाई दी। ये आवाज़ थी महान गायिका लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा पर जाने से पहले फ़ोन किया था। इसकी रिकॉर्डिंग को उन्होंने अपने शो में शामिल किया। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातों को याद किया और लता दीदी को 28 सितंबर को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मोदी ने कहा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूँ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना, और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले आपको फ़ोन कर दिया। इस पर जवाब देते हुए लता मंगेशकर ने कहा, मैं जानती हूं कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद पीएम मोदी ने चिराग तले अंधेरा मुहावरे का प्रयोग कर समाज को नई दिशा देने, नई सोच देने की कोशिश की। त्योहारों में घर खुशियों से भरे होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन त्योहारों की खुशियों से वंचित रह जाते हैं, और इसी को तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ये कहावत एक शब्द नहीं, हम लोगों के लिए एक आदेश है, एक दर्शन है। हम सभी हिंदुस्तानवासियों के दिल में उनके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत लगाव है। शायद ही हिंदुस्तान का कोई नागरिक होगा जो उनके प्रति आदर न रखता हो, सम्मान न करता हो। वो उम्र में हम सभी से बहुत बड़ी है और देश के अलग अलग पड़ावों, अलग अलग दौर की वो साक्षी है। हम उन्हें दीदी कहते हैं, लता दीदी। वो इस 28 सितंबर को 90 वर्ष की हो रही है। विदेश यात्रा पर निकलने से पहले मुझे दीदी से फोन पर बात करने का सौभाग्य मिला था। पीएम मोदी ने तंबाकू का जिक्र करते हुए लोगों से अपील की कि तंबाकू के नशे से दूर रहें। उन्होंने कहा, तंबाकू जानलेवा बीमारियों को जन्म देता है, ई सिगरेट भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमने हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है, हमें नशे के इस नए तरीके से दूर रहने की जरूरत है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि इस 2 अक्टूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान का। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दा उठाने के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा। इस पर आरएसएस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा ने चुटकी ली और कहा कि भारत और संघ अब एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता कृष्ण गोपाल शर्मा ने कहा कि आरएसएस सिर्फ भारत में ही है, हमारी दुनिया में कहीं दूसरी जगह कोई शाखा नहीं है। पाकिस्तान अगर हमसे नाराज है तो इसका सीधा मतलब है कि वह भारत से नाराज है। भारत और आरएसएस अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। हम भी यही चाहते हैं कि दुनिया भारत और आरएसएस को एक ही देखे। उन्होंने कहा कि हम इमरान साहब को बधाई देते हैं, क्योंकि हमारे बिना कुछ किए ही वे आरएसएस का नाम दुनिया में पहुंचा रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी वाणी को विराम ना दें। और ये काम बड़ी अच्छी तरह से हमारे इमरान साहब ने किया है, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं। बिना कुछ करे धरे हमारे नाम को दुनिया में पहुंचा रहे हैं। तो असज्जन लोग जो जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, आतंकवाद के विरोध में हैं, वो दुनिया में ये अनुभव करने लगे हैं। कुछ बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं ना कहीं आतंकवाद के विरोध में तो है, तब नहीं विरोध कर रहा है इतना।
यूएन के मंच से आतंकवाद को पनाह देने वाले पाक पीएम इमरान खान ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। इमरान ने अपने संबोधन के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस्लामोफोबिया और आरएसएस पर भी अपना संबोधन केंद्रित रखा था। इमरान खान ने कांग्रेस का हवाला देते हुए संघ पर निशाना साधा था। अब बात राजनीति की। झाबुआ उपचुनाव में दो भूरियाओं के बीच मुकाबला होगा। कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने उनसे मुकाबले के लिए भानु भूरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से विधायक जीएस डामोर के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। भाजपा झाबुआ सीट को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है, वहीं कांग्रेस झाबुआ सीट जीतकर विधानसभा में अपना बहुमत हासिल करने की रणनीति बना रही है। अभी कांग्रेस के पास 114 विधायक हैं। यदि झाबुआ उसके खाते में आ गई तो निर्दलीय प्रदीप जायसवाल के साथ वे आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। मध्यप्रदेश में सरकार बनाने और बिगाड़ने में झाबुआ उपचुनाव के परिणाम अहम भूमिका अदा करेंगे। इसकी वजह से है कि इस सीट को जीतकर कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ सकती है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी झाबुआ पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए भाजपा को भी कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया के खिलाफ भानु भूरिया को अपना प्रत्याशी बनाना पड़ा। मानते हैं कि भानु भूरिया कद्दावर नहीं है, भविष्य के हमारे उभरते हुए नेता है, युवा नेता है। आवश्यकता थी कि एक युवा नेतृत्व सामने आना चाहिए। उस क्षेत्र की जनता की मांग थी कि कोई युवा सामने आए, और इसीलिए एक युवा को जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। कमलनाथ सरकार के किसान कर्ज माफी के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने चुनाव वचन पत्र में सरकार बनाने के 10 दिन के अंदर किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी। इसे लेकर सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़े बड़े कार्यक्रम कर मंचों से किसानों के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र भी बांट दिए। किसानों को लगा कि उनका कर्जा माफ हो गया है, लिहाजा किसानों ने बैंकों के लिए ऋण की राशि जमा नहीं की। लेकिन अब सरकार बनने के 10 महीने बाद बैंकों ने किसानों को ऋण की राशि ब्याज सहित जमा करने के नोटिस जारी कर दिए हैं, जिससे किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार के किसान ऋण माफी के दावे झूठे हैं, ये हम नहीं खुद किसान कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेने के तुरंत बाद ही अपनी पहली फाइल किसानों के कर्ज माफी पर हस्ताक्षर कर किसानों का कर्ज माफ होने की बात कही थी। लेकिन राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र के जेसी नगर तहसील में अनेक गांवों के किसानों को बैंकों द्वारा नोटिस आए हैं। किसान नारायण सिंह ने बताया कि उन्होंने 40,000 का लोन लिया था, लेकिन अब 65,000 हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन 10 महीने होने को आ गए, अब तक कर्ज माफ नहीं हुआ। किसान शिवराज का कहना है कि खाद बीज के लिए पैसे लिए थे, कमलनाथ आए थे, उन्होंने कहा था हम कर्जा माफ करेंगे, अब हम कहां से भरें, इस बार फसलें भी खराब हो गई हैं। कमलनाथ जी, आइए हम आपको किसानों की व्यथा सुनवाते हैं। आपके ऋण माफी के वादे ने कैसे किसानों को और परेशानी में डाल दिया है। जो काम आपको 10 दिन में करना था वो आप 10 महीने में भी पूरा नहीं कर पाए हैं। 40,000 लिया तो 65,000 कर्जा हो गया। हम आए, कमलनाथ जी आए तो उन्होंने कहा था कि 2,00,000 रुपया कर्जा माफ करेंगे, लेकिन 10 दिन की बोली थी, आज ये हो गया 8-9 महीने जब से कर्जा माफ नहीं था। किसान अवध नरेश का कहना है कि हमने 1,50,000 रुपए कर्ज के रूप में लिया था, बैंक वाले हमारे यहाँ आए थे और उनका कहना था कि पैसा भरो वरना तुम्हारी कुर्की कर देंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, इस बार फसल भी खराब हो गई है, हम कहाँ से भरेंगे, बैंक वाले कहते हैं पैसा भरो वरना ब्याज लगेगा। कर्जा कहाँ हमारे सुनो, उन्होंने कह दी कहने लगे तो कर्ज माफ होगा, तो हमने तुम्हारा बंद कर दिया, तो हमने कहा होगा हुज माफ। अब एक दिन आए थे पढ़ना रोक देना, तो कह दे कर्ज माफ नहीं हो आगे, पैसा भरो ना, कहीं हमारे सुनो तुम्हारी कुर्की मुर्की हो जाए। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपके ऋण माफी वादे के बाद किसानों ने ये सोचकर कर्ज नहीं भरा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है तो ऋण माफ होगा, लेकिन ये क्या, ऋण माफ हुआ नहीं और बैंक ब्याज सहित ऋण देने की बात कह रही है, नहीं देने पर घर कुर करने की धमकी दी जा रही है। किसान गुड्डन का कहना है कि पहले तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा भर देते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा है कि अब हम कर्ज माफ कर रहे हैं, जिससे हमने कर्जा नहीं भरा और अब ब्याज के साथ नोटिस आ रहे हैं। कमलनाथ ने कह दी कि हम 2,00,000 छूट कर रहा है तुम्हारे, तो ये से नहीं भर पाओ और यही में ढीली आ गए। बड़े भाई को माने काम करो तो बैंक बैंक का करवाओ तो उसने लपड़ा कर दो, 1,50,000 को कार्ड बनवा के और इन्हें 4-5,00,000 बना लो। कमलनाथ जी याद क्या गए थे कि 10 के दिन में माफ हो गए हैं, फिर निकले नहीं यहाँ। कमलनाथ जी, आइए हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जेसी नगर के प्रबंधक AK गुप्ता की बात सुनवाते हैं, जिसमें अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोन का पैसा खाते में नहीं आया है और ऋण जमा करना होगा, कर्ज माफी समय पर होना थी पर समय पर नहीं हुआ, अब कंप्यूटर ब्याज बढ़ाएगा
और इसके साथ पेनल्टी भी लगाएगा, जिससे किसानों को बीमे का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी किसानों से कहा जा रहा है कि वे ऋण के पैसे समय पर भरें। कर्ज माफी समय पर होना था, अगर समय पर नहीं होगा तो कंप्यूटर तो ब्याज बढ़ाएगा, पेनल्टी लगाएगा, और जो नियमित होता है सबमेंशन जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, एनपीए हो जाएगा तो बीमा का भी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों से कही जा रही है कि अपना खाता जो है रेगुलर करें, जब ऋण माफी का पैसा आएगा तो खाते में ही आएगा, वो पैसा फिर से निकाल सकते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपके राज्य में ट्रांसफर के लिए पैसा देना पड़ता है, आपके राज्य में तबादला उद्योग बन गया है, ये कहना किसी और का नहीं आपकी कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का है। कमलनाथ जी, आपसे जो उम्मीदें जनता ने लगाई थी उनको आपकी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, ऊपर से तबादले के धंधे ने लोगों के साथ आपके मंत्रियों तक को परेशान कर दिया है और वो तबादले से ज्यादा अच्छा सस्पेंड करना समझते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, विपक्ष आपकी सरकार के तबादले के धंधे पर बोलता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन अब तो आपके मंत्री सरेआम कह रहे हैं कि तबादले के लिए पैसा लगता है। कमलनाथ जी, आपकी महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने सड़क पर सबके सामने कहा है कि तबादले के लिए पैसा लगता है। आपकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब मंत्री जी से एक डॉक्टर को लेकर बातचीत की तो उन्होंने डॉक्टर के ट्रांसफर को लेकर कहा कि अगर ट्रांसफर करेंगे तो पैसा लगेगा, सस्पेंड करना ज्यादा अच्छा है। दरअसल डबरा अस्पताल के डॉक्टर को लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई थी और ट्रांसफर की मांग की थी, जिसके बाद इमरती देवी का यह बयान सामने आया। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, देख लीजिए अपने प्रदेश के हालात हैं क्या। विधायक तो विधायक, अब मंत्री भी कहने लगे हैं कि ट्रांसफर में पैसा लगता है। जो कह रहा ट्रांसफर करा दो, हमने ट्रांसफर कराने में पैसा लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी, अब सवाल ये है कि क्या एमपी में ट्रांसफर के लिए मंत्री को भी रुपया देना पड़ता है? यह पहली बार नहीं जब किसी ने इस तरह की बात कही। पहले भी दो कांग्रेसी विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट पर पैसा लेकर काम करने का आरोप लगाया, हालांकि बाद में दबाव के चलते वो अपनी बात से पलट गया। आपके एक मंत्री ने रेत की लूट खसोट और अधिकारियों के तबादले पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री जी, इस तबादले के खेल को समय रहते रुकवा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो जनता अगले चुनाव में आपका ही तबादला करवा दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश की सच्चाई बताने वाली एक और खबर। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की हालत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि सार्वजनिक मंच से कमलनाथ सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि 100% पटवारी रिश्वत खो रहे हैं और ये बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते। इसके बाद पटवारी संघ मंत्री के इस बयान से खासा नाराज हो गया है और वो इस मामले में मंत्री की शिकायत मुख्यमंत्री से करेगा। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी की बात पर गौर करें तो उनका कहना है 100% पटवारी घूसखोर हैं। मंत्री जीतू पटवारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के रंगवासा गांव में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हजारों की तादाद में पहुंचे किसानों और अधिकारियों के सामने कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव को संबोधित करते हुए कहा कि 100% पटवारी रिश्वत लेते हैं, बिना पैसा लिए काम ही नहीं करते। मेरे नाम में भी पटवारी है, इसलिए मेरा नाम भी बदनाम होता है। मंत्री पटवारी ने यह भी कहा कि पटवारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करने पर भी नहीं मानते। कोई किसान ऊपर का पैसा दे रहा है तो वह गलत कर रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी है। रिश्वत लेने वाला दोषी है तो देने वाला भी दोषी है। थोड़ा लड़ो, नेताओं को भी झजोड़ो, चार बात सुनाओ, क्योंकि आपके वोट की कीमत है। मंत्री ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि वे पटवारियों पर लगाम कसें। कोई किसान ऊपर का पैसा दे तो वो गलत करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। रिश्वत लेने वालों दोषी नहीं है, रिश्वत देने वालों भी दोषी है। तो अगर तुम रिश्वत दिया है तो भी जवाब कर, थोड़ा लड़ो, बिना नेता ना का वोट दो भकवी, उनका झंझोड़ो, उनसे उनका आवत चाल सुनो और अपना काम जितनी वोट की कीमत है भी करो। जीतू पटवारी ने सभी पटवारियों को रिश्वत खोर कहकर ईमानदार पटवारियों का दिल दुखा दिया। मंत्री तो अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन इसके बाद पटवारी संघ मंत्री की इस बयानबाजी से खासा नाराज नजर आए और कहा इस मसले पर भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से बात की जाएगी। खबर छत्तीसगढ़ से है। दंतेवाड़ा में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलवादियों ने
कटे कल्याण मार्ग के गाटमा के पास पुलिया में 60 किलो का बारूद लगा रखा था। बताया जा रहा है कि नक्सली उपचुनाव के दौरान यहां झीरम घाटी जैसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ और दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सली एक और झीरम घाटी जैसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि नक्सली उपचुनाव के समय राजनेताओं के काफिले को उड़ाने की तैयारी कर चुके थे, जिसके लिए नक्सलियों ने काटे कल्याण मार्ग में गाटम के पास पुलिया में 60 किलो का बारूद लगा रखा था। सुरक्षा बलों ने कॉर्डेक्स वायर जिलेटिन और डिटोनेटर का जखीरा बरामद किया है। इतना बड़ा बम पहली बार बरामद किया गया है। मुखबिरों की निशानदेही पर सुरक्षा बलों को यह कामयाबी मिली। बताया यह भी जा रहा है कि पूर्व सीएम रमन सिंह की चुनावी सभा इस इलाके में होनी थी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर दंतेवाड़ा पुलिस ने सभा की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद एक बड़ा नक्सली हमला होने से बचा लिया गया। जगदीश मंगटू और बादल, उनपे हमारी नजर है। हम उनसे आह्वान करते हैं कि वो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े, इन तरह की गतिविधियों से दूर जाए, नहीं तो उनके लिए हित में नहीं है, राज्य के हित में नहीं है। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में बाइक राइडर्स में आपसी विवाद इतना बड़ा कि एक बाइक राइडर के साथी ने उसके ही साथी युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। मौके से फरार हुए आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में रायपुर और दुर्ग से आए बाइक राइडर्स ग्रुप में शनिवार रविवार की दरमियानी रात विवाद हो गया, जिसमें रायपुर के हनी उर्फ सिमरन ओबराय के गनमैन धर्मपाल सिंह राजपूत ने कपिल कक्कड़ पर दो गोली दाग दी। इनमें से एक गोली कपिल कक्कड़ के सिर में लगने से उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला रईस जादों से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक चंपक होटल में देर रात पार्टी चल रही थी। इसमें हनी उर्फ सिमरन ओबराय के गनमैन धर्मपाल सिंह को लेकर पार्टी में मौजूद दुर्ग निवासी कपिल कक्कड़ ने आपत्ति जताई। इस बात पर हनी ओबराय और कपिल कक्कड़ में विवाद हो गया। कपिल कक्कड़ ने हनी ओबराय को बताया कि उसके साथ में जो उसका गनमैन धर्मपाल सिंह है, इसको पार्टी से बाहर करो। हनी ओबराय ने इसके लिए मना किया और इसी बात पर से हनी ओबराय और कपिल कक्कड़ के बीच में विवाद होने लगा और धर्मपाल सिंह भी इस विवाद में शामिल हो गया। विवाद आगे बढ़ा और धर्मपाल सिंह ने अपनी जो सर्विस रिवॉल्वर थी उससे कपिल कक्कड़ को गोली मारी, जिससे कपिल कक्कड़ की मौके पर मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पचमढ़ी के पास से ही गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से हिल स्टेशन पचमढ़ी में आए पर्यटकों के बीच दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा युवक रायपुर से महंगी बाइक से पचमढ़ी घूमने के लिए आए थे और उनमें आपस में विवाद हुआ। सीहोर के जावर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही लोग वैन के पास पहुंचे, लेकिन उसमें हुए धमाकों से भगदड़ के हालात बन गए। ये घटना जावर थाने के पास की है। बाद में दमकल ने आकर इस आग को बुझाया। जावर पुलिस स्टेशन के पास एक घर के बाहर खड़ी वैन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की बड़ी लपटें निकलने लगी और कार से 2 बार धमाके की आवाज आई। सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया गया है कि यह वैन घरेलू गैस से चलाई जा रही थी। इस कारण इसमें अचानक आग लग गई और आग ने तत्काल ही विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आसपास भारी संख्या में लोग जुटने लगे। सामने घरों में रहे लोगों को दरवाजे बंद कर पीछे के रास्ते से बाहर निकाला गया। तभी एक तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ और सारे इलाके में दहशत का वातावरण बन गया। इस घटना में वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पुलिस ने इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुए सड़क हादसे में एसडीओपी वीरेन मिश्रा बाल बाल बच गए। आस्था एसडीओपी का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एसडीओपी समेत गाड़ी में सवार चार अन्य लोग भी घायल हो गए। ड्यूटी से लौटते समय यह हादसा हुआ। सीहोर जिले में ग्राम कोंजरी के पास सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में आस्था एसडीओपी का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एसडीओपी वीरेन मिश्रा समेत गाड़ी में सवार चार अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पांचों लोगों को आंवली घाट पर ड्यूटी लगी थी और ड्यूटी से लौटते समय यह हादसा हुआ। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एसडीओपी रात भर ड्यूटी के बाद आस्था लौट रहे थे, तभी इछावर टोल के पास गाड़ी एक बड़े गड्ढे में जा गिरी और एकदम से लॉक हो गई। इसके बाद अचानक गाड़ी की रेस तेज हुई और गाड़ी आगे जाकर पलट गई। स्पीड तेज होने के कारण गाड़ी काफी दूर तक घिसकती रही। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। एसडीओपी को सिर और कंधे में चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही बड़े अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। ग्वालियर में दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कट्टे की नोक पर दिन दहाड़े एक व्यापारी को लूट लिया। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के पौष इलाके जवाहर कॉलोनी में दो अज्ञात बदमाशों ने कट्टे की नोक पर एक व्यापारी को लूट लिया। व्यापारी का नाम पुरुषोत्तम दास गोयल बताया जा रहा है, जो कि एक किराना व्यापारी है। लूट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में दो बाइक सवार गाड़ी पार्क कर अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। लूट की घटना के बाद क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। फुटेज के आधार पर कंपू पुलिस जांच में जुट गई है। दिन दहाड़े लूट की इस घटना ने पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खोल कर रखी है। नवरात्र से पहले सर्वपित्र अमावस्या पर नर्मदा तट पर लोगों ने अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हुए नर्मदा में डुबकियां लगाई। भूतड़ी अमावस्या होने से नर्मदा तट पर रात भर तंत्र मंत्र क्रियाएं चलती रहीं। सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या पर हंडिया और नीमावार नर्मदा तट पर लोगों ने अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हुए नर्मदा में डुबकियां लगाई। तटों के प्राचीन मंदिरों में दर्शन कर जल चढ़ाने वालों की भीड़ लगी रही। भूतड़ी अमावस्या होने से नर्मदा तट पर रात भर तंत्र मंत्र क्रियाएं चलती रहीं। अमावस्या पर शनिवार के दिन से रविवार सुबह तक नेमावार के सिद्धनाथ मंदिर घाट और हंडिया के रिद्धनाथ मंदिर घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। नेमावार घाट पर ही करीब 2,00,000 लोगों ने स्नान किए। इधर हंडिया घाट पर भी भीड़ रही। इनकी सुरक्षा के लिए एक दिन पूर्व से ही पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात थे। इसके बाद भी आवारा मवेशियों के घाट पर होने से स्नान करने वाले लोगों को परेशानियां हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।